नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल जयगांव मिरर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पहुँचे हैं जयगांव के एक ऐसे जगह पे जो एकदम आपके तुरसा नदी के किनारे है। जी हाँ दोस्तों, ये जगह है सुकरा जोत और काफ़ी लोग यहाँ कम आते हैं और आने का उद्देश्य ये था दोस्तों, काफ़ी दूर से हमें ये आँख का धुआँ काफ़ी दूर से दिख रहा था, तो हम लोग सोचे कि चलिए कवर करते हैं, कहीं अगर आग लगा है तो उसका कवरेज किया जाए। और चलते चलते हम लोग पहुंच गए नदी किनारे और नदी के उस पार आप देख सकते हैं जो सूखा हुआ जो जंगल है, घास है, वो जल रहा है और काफ़ी मात्रा में आकाश में ऊपर तक धुआं का लहर जो है ऊपर तक उठा हुआ है। तो यही देखने के लिए हम लोग आए थे। फ़िलहाल हम लोग वहाँ तक पहुँच तो नहीं सकते, लेकिन आपको दृश्य ज़रूर दिखा सकते हैं। काफ़ी भयानक दिख रहा है, ये धुआं का जो एक लेयर सा बन गया है काफ़ी भयानक दिख रहा है। और हम लोग यही देखना चाहते थे कि कहीं कहीं जयगांव के किसी एरिया में तो कहीं भीषण आग तो नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे हैं तो ये जंगल का आग है जो सूखा पेड़ पौधा घास जो पहाड़ किनारे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उसी में कहीं लगा है। और दोस्तों, यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है, हालांकि यहाँ पे आना थोड़ा बहुत जोखिम भरा है क्योंकि यहाँ पे जो इस लेयर है काफ़ी स्टीव है। और नदी का आवाज़ सुनकर काफ़ी सुकून मिलता है, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि ये जो आग लगा है मेरे ख्याल से जो सीमा है, जो एरिया है, शायद भूटान के अंदर पड़ता है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे शायद हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दृश्य ज़रूर आपको दिखा रहे हैं। और आशा करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ, वो लोग इस विषय में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोग कुछ करेंगे, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो दूसरे देश का मामला है, वो लोग इस मामले पे अपने तरफ से बेहतर कर सकते हैं और करेंगे भी, यही आशा है। और यहाँ से आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, एक तरफ जहाँ पे ये विजुअल्स दिखा कर हमें भी थोड़ा दुख लग रहा है, लेकिन नज़ारा अगर आप हम अपना कैमरा मोड़ देते हैं तो यहाँ पे कुछ अलग दृश्य ही देखने को मिलता है।